सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सॉलिड स्टेट को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से याद करो फटाफट से, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर वन इज अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों वो रेगुलर होता है, एकदम रेगुलर और लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, अगर amorphous solid की बात करें, अच्छा crystalline solid का अगर आप pictorial representation देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एकदम systematic arrangement होता है atoms का, जबकि amorphous solid में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर एकदम regular arrangement पहली बात तो होता ही नहीं है, और अगर regular arrangement आपको दिखेगा तो वो short range के लिए दिखेगा, बहुत ही short range के लिए। ठीक है, जैसे example के तौर पर ये देखिए, यहां पर तीन atom regular है लेकिन उसके बाद नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि शॉर्ट रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होगा लेकिन अमूमन नहीं देखा जाता रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में। अच्छा और क्या डिफरेंस है, देखिए अमोर्फस सॉलिड को एक्चुअली हम लोग स्यूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, जैसे कि ग्लास। आपको पता है ग्लास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, और मजे की बात यह कि वो नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है ग्रेविटी की वजह से। अगर आपने नया नया खिड़की में ग्लास लगाया है तो वो ग्लास क्या करेगा, आप कभी गौर करना, वो ग्लास का जो थिकनेस है कुछ दिनों बाद नीचे से वो मोटा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, सो ये खास बात होती है, इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड के जैसे हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। अब इन दोनों में और क्या डिफरेंसेस होते हैं, फटाफट से एक टेबल बनाते हैं, और इस पे से क्वेश्चन सीबीएसई हर बार पूछता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस आपको लिखने होते हैं 5 से 6, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कभी कभी, अगर पूरे में तो 4 या 5 मार्क का भी पूछ लिया जाता है, तो 3 मार्क का तो फिक्स होता ही है। So, यहां पर सबसे पहले तो अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है वो है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल एकदम फिक्स लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, हम अभी पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन में, और जबकि अमोर्फस में डिसिप्लिन अरेंजमेंट नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहां पर बिल्कुल डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एमोर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है। यहां पर 120 डिग्री पर अगर ये मेल्ट होना शुरू हुआ तो 200 डिग्री तक तो ये मेल्ट ही होता रहता है, तो एक रेंज में मेल्ट होते हैं ये। और अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट एक का फिक्स है दूसरे का नहीं, क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है डेफिनेट है, लेकिन एमोर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब उनका हीट ऑफ फ्यूजन में भी ये डिफरेंस होगा। व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन बाय द वे, एक मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और मजे की बात क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल फिक्स है, डेफिनेट होती है, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर डेफिनेट है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है, लेकिन यहां पर कुछ डेफिनेट नहीं है, सब इनडेफिनेट है। एमोर्फस सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन भी इनडेफिनेट होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल रिजिड होते हैं और इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो कुछ एक्सटेंट तक। ये सिंपल से डिफरेंसेस है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसको ध्यान से पढ़ते जाओ, मैं आपको समझाते जा रहा हूं। अब और क्या डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस आते हैं कटिंग एज पर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कट करते हो ना बच्चों, तो कटिंग करने पर बिल्कुल आपको स्मूथ मिलेगा। सोडियम कभी बाजार से लेके आना, उसको चाकू से कट करना, बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। ठीक है, स्मूथ प्लेन्स यहां पर जनरेट हो जाते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड में स्मूथ नहीं होते हैं, आपको ग्लास से हाथ को बचाना पड़ता है, इसलिए आप कपड़ा लेके ग्लास को पकड़ते हो, कटिंग ग्लास को, क्योंकि उसके जो ग्लासेस के जो प्लेन्स होते हैं वो रफ होते हैं, चुभ सकते हैं, हाथ कट सकता है। आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपी होते हैं, दीज आर एनआइसोट्रोपी, ये देखिए यहां पर मेंशन भी है, सो दीज आर एनआइसोट्रोपी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपी होते हैं, यहां पर लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआइसोट्रोपी बाय द वे, एनआइसोट्रोपी का मतलब होता है कि अलग डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, एनआइसोट्रोपी का मतलब ये होता है, जबकि आइसोट्रोपी मतलब एमोर्फस, मतलब एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होते हैं, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सिमेट्री की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है, सिमेट्री तो रखेंगे, जबकि एमोर्फस सॉलिड में किसी तरह का कोई सिमेट्री नहीं होता, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिमेट्री है तो यहां पर इंटरफेशियल एंगल भी होंगे, यहां पर अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल होते हैं, लेकिन एमोर्फस में कोई सिमेट्री ही नहीं है तो कहां से होंगे भैया इंटरफेशियल एंगल, होते ही नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग यहां पर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड करेंगे। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तरह के होते हैं, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद होता है हमारे पास आयनिक सॉलिड, और उसके बाद होता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड, और उसके बाद होता है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड।
जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना बच्चों, वो खुद तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इससे बढ़िया तरीके से तो आप बुक में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पूरी थ्योरी करवा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भैया यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह के तो यू नो सब टाइप्स होते हैं, क्या बॉन्डिंग होती है, एग्जांपल क्या है, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करें नॉन पोलर। मैंने कहा था मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के होते हैं, सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं, नॉन पोलर। सबसे पहले तो बॉन्डिंग देख लेते हैं। नॉन पोलर वालों में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं उनको, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए ऑर्गन CCl4, नॉन पोलर में म्यू का वैल्यू जीरो होता है बच्चों, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट जीरो होता है। सो यहाँ पर ऑर्गन CCl4, H2, I2, CO2, ये सारे एग्जाम्पल नॉन पोलर के हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है यार, H2, I2, CO2, CCl4, ऑर्गन, ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। नॉन पोलर के बाद आते हैं हम लोग सेकंड पोलर की तरफ, ठीक है, पोलर की तरफ। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करो भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्योंकि वो पोलर है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे चेक करो जैसे कि HClSO2, ऑब्वियसली यहां पर पोल है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव सबको दिखाई दे रहा है। सल्फर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, और यहां पर भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। तो नॉन पोलर पोलर हो गया, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे आइस, आइस यानी कि H2O एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हार्ड भाई, आइस बहुत हार्ड होती है, मार के देखो, ठीक है, फ्रिज से निकालो मार के देखो हार्ड होती है कि नहीं होती है। और ये इंसुलेटर होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लो होता ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, आयंस, ठीक है, बॉन्डिंग कैसी होती है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल कौन से दोगे, NaCl, MgO, ZnaCaF2, ये सारे के सारे एग्जांपल आप खुद ही देखो, ये आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। NaCl सबको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, Mg में ये प्लस और ये माइनस होता है, इनफैक्ट ये प्लस टू और ये माइनस टू में होता है, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल आपको आयनिक सॉलिड के दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। आपने नमक नहीं देखा, देखा है ना, तो वो हार्ड और ब्रिटल होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, मजे की बात ये कि सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर आपने इनको मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये कंडक्ट करना चालू कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो भैया बहुत हाई होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। सो फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, इतनी तेजी से आप कहीं भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, किसी भी चैनल पे ऐसा काम नहीं हो रहा, लाइव मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं पूरा का पूरा, उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। मेटालिक सॉलिड में एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एक तो कार्निल, यानी कि अगर मेटालिक सॉलिड की बात करो तो जैसे कि Fe, आपको पता है कि Fe प्लस टू और उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग कार्निल भी कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए उनका जो सी होता है वो बार बार डी लोकलाइज होता रहता है, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। मतलब ये Fe प्लस टू इस तरह से अरेंज होंगे, ये Fe प्लस टू, ये Fe प्लस टू, ये Fe प्लस टू, सही है, और इनके जो छह इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर सी के जैसे क्लाउड के जैसे यहां बहते रहेंगे, क्लियर होता है। सो इसको इस तरह का यहां पर स्ट्रक्चर दिया गया है। बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड होते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखें तो FeCu, AgMg, सिंपल सा है। फिजिकल नेचर की बात करें तो यहां पर हार्ड होते हैं लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, ये सबको पता है कि आप सिल्वर से क्या बना सकते हो, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैलिएबल डक्टाइल कौन होता है, Au, सही है, पतले पतले से तार बना सकते हो लंबे लंबे से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो भैया ये सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, इन सभी में कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को बात करें तो भैया फेयरली हाई होते हैं, सबके सब तो मेटल है, ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा ही ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड बच्चों, जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स, क्लियर होता है। तो यहां पर बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, नाम ही देख लो कोवेलेंट सॉलिड तो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे ना। एग्जांपल के तौर पे देखो क्वार्ट्ज, मिट्टी क्वार्ट्ज जिसका सिलिकॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, SiO2, जैसे कि SiC, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, और यहां पर एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो ये सारे एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड के। फिजिकल स्टेट की बात करो तो ये हार्ड होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो तो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं,
ठीक है, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। यहां पर एक एग्जांपल ऐसा है जो फाइनली एक एग्जांपल आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा एग्जांपल है बेसिकली जो कि यहां पर क्या है तो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल, लेकिन ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्चुअली में ग्रेफाइट पहले तो सॉफ्ट होता है, फिर उसके बाद यहां पर एक कंडक्टर होता है, ये एक्सेप्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहां पर ये जितने एग्जांपल ऊपर लिखे हैं उनकी तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, आपको सबको पता है डायमंड हार्ड होता है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट की तो हां उसकी भी हार्ड ही होती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर ध्यान से देखना। सो अभी सारी चीजें आती जाएंगी, सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, आप एक एक करके देखते जाओ, ठीक है, एक एक करके देखते जाओ, सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहां पर क्रिस्टल लेटिस की बात करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल लेटिस होता क्या है? क्रिस्टल लेटिस का मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंट्स का डिसिप्लिन अरेंजमेंट, डिसिप्लिन 3D अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल पॉइंट्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्रिस्टल, उसको हम लोग लेटिस कहते हैं, ठीक है। और फाइनली देखिए एक एक करके आपके सामने बन रहे हैं, आप पहले गौर से देखिएगा, यहां पर मैंने एक ब्रिक लगाई, एक ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक लगाई, एक और ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक लगाई, साइड में लगाई, इस तरह से छोटी छोटी ब्रिक से मैंने क्या बना दिया, एक पूरा क्रिस्टल बना दिया। तो अब तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कि जिसमें छोटी सी कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा या ब्रिक होगी जिसको रिपीट करते जाओगे तो पूरा लैटिस तैयार हो जाएगा, ये केज के जैसा होता है। तो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस इज एन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लैटिस ही होता है जो कि एक्चुअल में क्या होती है, सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पर है ना पॉइंट्स का डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, आप येलो पॉइंट्स को देखो, इनके डिसिप्लिन अरेंजमेंट है इसी, और ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट जो कि 3D में होते हैं इसी को हम लोग लैटिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैटिस विच कैन बी रिपीटेड, जो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको आपने बार बार रिपीट किया और पूरा का पूरा लैटिस बनाया, आपने देखा होगा कि इस क्यूब को आपने कंप्लीटली रिपीट किया, क्यूब आप घर में जो ईट होती है ना, ईट से घर बनते हैं, तो ईट को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओ, ब्रिक बोलते हैं जिसको, ब्रिक को रिपीट करते जाओ पूरा घर एक वॉल तैयार हो जाएगा। तो छोटी सी ईट यानी कि ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब पूरे चैप्टर में खेल सारा यूनिट सेल का ही है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि अब चैप्टर की एक्चुअल जो पोजीशन है वो यही है, यूनिट सेल के ऊपर इर्द गिर्द घूमता है। तो अब चलो फटाफट से मैंने आपको यूनिट सेल दिखा दी, यूनिट सेल क्या होती है, जैसे कि आप घर में जो वॉल है, वॉल जो ब्रिक से बनी है, ब्रिक एक तरह का यूनिट सेल है। तो फाइनली यहां पर 3D यूनिट सेल आपको मैं दिखा देता हूं। 3D यूनिट सेल अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरियस लैटिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय वेरिंग द यूनिट सेल पैरामीटर्स, अगर आप किसी यूनिट सेल के पैरामीटर को वेरी करोगे तो आपको बहुत सारे 3D यूनिट सेल मिलेंगे। तो सबसे पहले तो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, पहली तो है एज लेंथ, एज लेंथ मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, दिखा देता हूं, देखो यहां पर इसको बोलेंगे ए, ठीक है। सो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाएं तो ये ए है, इस डायरेक्शन में गए तो ये बी है, और ऊपर डायरेक्शन में गए तो सी, तो ये 3D हो गया। क्लियर है सब लोगों को? तो इनको तो बोलते हैं एज लेंथ। अब आप यूनिट सेल आपके सामने बनी हुई है ए बी सी, और अगर आप इनको वेरी करते जाओगे तो आपको नए नए तरीके के क्या मिलते जाएंगे, आपको नए नए तरीके के लैटिसेस मिलते जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पैरामीटर होते हैं इंटरफेशियल एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। ए के जस्ट सामने जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, बी के जस्ट सामने एंगल होगा वो बीटा होगा, और सी के जस्ट सामने जो एंगल होगा वो गामा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो, अल्फा बीटा गामा देखना चाहते हो तो आपके सामने बना दिए हैं। तो ये गामा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये बीटा हो गया, इनको हम लोग सेल पैरामीटर कहते हैं, यूनिट सेल के पैरामीटर। ध्यान रखिएगा, एक तो एज लेंथ एबीसी, और एक होते हैं इंटरफेशियल एंगल। अब इनके थ्रू आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, और साथ ही साथ एटम की लोकेशन के थ्रू आप बहुत सारे यूनिट सेल बना सकते हो। तो पहले दो जो आपके पास पैरामीटर हैं, फर्स्ट टू पैरामीटर, उनको अगर आप वेरी करते हो तो आप 7 तरह के यूनिट सेल बना सकते हो। पहले दो कौन से, आप ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को वेरी करते जाओ तो 7 तरह के पैरामीटर बनेंगे, उनको जरा चेक कर लो कौन कौन से, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं क्रिस्टल सिस्टम बताऊंगा, यहां पर उनकी एज लेंथ में रिलेशन बताऊंगा, यहां पर इंटरफेशियल एंगल में रिलेशन बताऊंगा। सबसे पहले होता क्यूबिक, आपके सामने क्यूबिक बन के आ गया, क्यूबिक में आप खुद ही देख सकते हो एबीसी के बराबर है और अल्फा बीटा गामा 90° एंगल के हैं। मैं गारंटी देता हूं आप अगर बुक में पढ़ने लगते हो तो आपको 3 घंटे लग जाते हैं, यही चैप्टर मैं आपको मैक्सिमम 1 आवर में कंप्लीट करा दूंगा, ध्यान से देखते जाओ। तो यहां पर एबीसी के इक्वल होता है और अल्फा बीटा गामा 90° होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको दिखाई दे रही है, देखिए जरा सामने। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दूसरा होता है टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल आपके सामने बन गया, वहां पर ए बी के बराबर होता है, लेकिन यहां पर सी ए बी के बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा गामा सारे के सारे 90 होते हैं। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, अभी अल्फा बीटा गामा को तो हम 90 रख रहे हैं लेकिन इनको वेरी कर रहे हैं, पहले एबीसी सब इक्वल थे, अब हमने क्या किया ए बी के इक्वल लेकिन सी ए बी के इक्वल नहीं है, आप खुद ही देख लो, यहां पर ये ए है ये बी है लेकिन सी ए बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर हो गया, इसको टेट्रागोनल कहते हैं। अब अगले की तरफ चलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक आपके सामने बना हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं होते, तीनों को डिफरेंट कर दिया, जबकि अल्फा बीटा गामा यहां पर 90 डिग्री का बन के आएगा, सीटीओ रोम्बिक बोलते हैं, ये देखिए आप सीटीओ सीटीओ आप याद रखो सीटीओ क्यूबिक टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक सीटीओ, और यहां पर सबसे पहले आपको एज लेंथ को वेरी करना है और इंटरफेशियल एंगल को सेम टू सेम रखना है, ये सिंपल तरीका है याद करने का यार, बहुत इजी है, और आपके सामने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर देगा कि ऑर्थोरोम्बिक होता क्या है, ये देखिए सामने बना हुआ है। अब हम चलते हैं आगे, अगला है हमारे पास ट्राइगोनल, जिसको हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब यहां पर हम लोग क्या करें, अब अल्फा बीटा गामा को वेरी करेंगे, पहले नहीं किया था, अब एबीसी तो ट्राइगोनल में यानी कि रोम्बोहेड्रल में इक्वल होता है लेकिन अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होते, वो होते तो आपस में इक्वल है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, और ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये आपको याद करने पड़ेंगे और आसान भी है, सी टी ओ आर, तो सी टी ओ आर, तो ये बन गया सी टी ओ आर, तो थोर बन जाता लेकिन एच तो है नहीं, तो ये सी टी ओ आर आप ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंपल सिंपल सा तरीका याद करने का, सी मने क्यूबिक, टी मने टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड ट्राइगोनल जिसको रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, तो ट्राइगोनल जिसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं, आप ट्राइगोनल याद मत रखिएगा, आप रोम्बोहेड्रल याद रखिएगा क्योंकि इसी के नाम से आते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे, अगला कौन से है, अभी हमने कितने देख लिए टोटल, एक जरा गौर से देखिएगा, एक देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया और चौथा देख लिया, चार देख लिए, तीन बाकी हैं, और कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हेक्सागोनल, जिसमें ए बी के इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं होता, ये स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल है, हेक्सागोनल को ध्यान रखिएगा, ए बी इक्वल है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, अल्फा और बीटा एंगल 90 है लेकिन गामा 120 होता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो एंगल है ओवरऑल ये 120 डिग्री का है, सो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है, दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं और एक 120 का होता है, हेक्सागोनल के बाद नंबर आता है मोनोक्लिनिक का, मोनोक्लिनिक आपके सामने बना हुआ है, एबीसी तीनों ही इक्वल नहीं होते, अल्फा और गामा 90 के इक्वल है लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होता, ये आपको याद करने हैं, एक बार अगर आप ध्यान से देख लोगे तो याद भी हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बना हुआ है, यहां पर आपको अल्फा और गामा 90 मिलेंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया, तो बीटा 90 डिग्री नहीं मिलेगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है। अब हम चलते हैं आगे ट्राइक्लिनिक की तरफ, ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर आपको नीचे दे दिया गया है, अल्फा बीटा गामा एबीसी तीनों इक्वल नहीं होते, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होते, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है ये, सबसे गंदी सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक की होती है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, ना तो एबीसी के इक्वल है ना अल्फा बीटा गामा के इक्वल है, तो यहां पर सिर्फ एक मोनोक्लिनिक है जिसको आपको फोकस अच्छे से करना है, दो तीन बार लिख के, बाकी तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, हेक्सागोनल सबने देखा हुआ है, क्यों नहीं याद होगा, 100% याद हो जाएगा, सिर्फ एक मोनोक्लिनिक है जिसको आप एक दो बार लिखिए आपको याद हो जाएगा, बाकी को तो याद करना आसान है क्योंकि उसकी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक आप इस तरह से भी आप देख सकते हो, पीछे जाके आपने देखा जैसे कि सी टी ओ आर, ये चार तो आप किस तरह से याद करने हैं, वेरिएशन आप चेक कर लो, उसके बाद हमारे पास जो अगले स्ट्रक्चर्स बने हैं उनमें सिर्फ मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल तो याद हो जाता है, मोनोक्लिनिक है जिसको थोड़ा सा गौर से देखना, ट्राइक्लिनिक तो सबसे गया बीता है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो इस तरह से याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे, ये सात तरह के लैटिसेस हो गए हमारे पास जिसपे हमने क्या चीज वेरी करी, एबीसी और अल्फा बीटा गामा, क्लियर होता है सब लोगों को। अब मजे की बात यह है, अब आप आगे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सात तरह के होते हैं और हमें पता है कि चार तरह के सब टाइप्स और होते हैं, सब टाइप्स कौन से होते हैं पता है, ये आप सब लोगों को पता है, नहीं पता तो अभी मैं थोड़ी देर में वो चारों तरीके बताने वाला हूं, सिंपल याद है, सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड तीन हो गए और एज सेंटर्ड चार हो गए, तो चार होते हैं, तो हमको पता है कि ये एक सिंपल होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है और एक एंड सेंटर्ड होता है, तो यूनिट सेल भी तो चार तरीके की होती है, खुद भी सात तरह के, तो एबीसी अल्फा बीटा गामा से हो गए, चार तरह के ये हो गए, अगर आप टोटल देखोगे तो प्रोबेबिलिटी बनती है 28 की, सात चौका 28 होते हैं, अगर एक भी चार तरह का है तो सात कितने, सात चौका 28 तरह के होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं,
एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल आपको सिर्फ 14 तरह के लैटिसेस मिले, जिनको हम लोग ब्राविस लैटिसेस कहते हैं बच्चों। टोटल 28 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन टोटल 28 है नहीं, एक्सपेरिमेंटली सिर्फ 14 ही लैटिसेस निकल के आए हैं और इनको हम लोग ब्राविस लैटिसेस के नाम से जानते हैं और ये सवाल काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से, जरा उसको हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो वो यूनिट सेल देखेंगे जो हमने बोली सिंपल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एज। याद है आप लोगों को, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। तो इनको हम लोग देखना कि यहां पर इस इन सारी यूनिट सेल के अंदर एक्चुअल में एटम कहां कहां होते हैं। तो वो चार तरह के हमें वेरिएशन देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सिंपल, सिंपल वाला तो बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉर्नर होते हैं ना। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों, किसी यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि ये देखो, ये सिर्फ कॉर्नर पे आपको दिखाई देंगे और वो तो सिर्फ पॉइंट है। एक्चुअल में अगर एटम रखने जाओगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये ध्यान रखने की चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस तरह से ये चलता है। सो ये तो हो गया सिंपल, और अगर आप इसको ढंग से ओवरव्यू लेना चाहते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मजे की बात है कि एटम जरूर कॉर्नर पे रखा हुआ है कि, लेकिन पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट सेल के अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी तो पार्ट कहीं और ही है। तो 1/8 पार्ट, 8 कॉर्नर होते हैं और सिर्फ 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। आप खुद से फोकस करके देखो कि मान लो कि एक एटम मैं यहां पर रख दिया तो आप देखो ना कि यूनिट सेल के अंदर कितना है, सिर्फ इतना पार्ट ही है, बाकी तो बाहर है। और एक्चुअल में अगर आप ढंग से देखोगे तो 1/8 पार्ट ही निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम होते हैं बेसिकली वो कॉर्नर पे होते हैं। मजे की बात, जितने सातों तरह के आप लेटेस्ट देख के आए हो अभी एबीसी और अल्फा बीटा गामा, सातों तरह में आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने को मिलेगी। कोई भी हो, सात तरह के देख के आए हो ना आप अभी, वो सातों में आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने को मिलेगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? सो सात तो आपके पास यही हो गए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होते ही है, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच भी होते हैं। कॉर्नर पे तो होते ही हैं, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच भी होते हैं। अब आप देखो यहां पर कॉर्नर पे तो है ही, बॉडी के सेंटर पर भी होते हैं एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो, ये कॉर्नर पे तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, एक बिल्कुल आपको बॉडी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बॉडी के बीचों बीच भी दिख रहा है, तो इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। आप इसको अगर व्यू लेना चाहो, ओवरव्यू, तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच आपको एक बोल दिख रही है और कॉर्नर पे तो है ही। तो जो बॉडी के बीचों बीच है, देखिए कॉर्नर का टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मतलब बोल यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट में ही होती है, प्लस एक यहां पर बॉडी के बीचों बीच है। तो टोटल बॉडी सेंटर के अंदर एटम कितने होते हैं, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात देखो, यहां पर मजे की बात यह है कि बॉडी सेंटर एक तो क्यूबिक में देखने को मिलेगा, बॉडी सेंटर एक क्यूबिक में देखने को मिलेगा, एक टेट्रागोनल में देखने को मिलेगा और एक ऑर्थोरॉम्बिक में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो सातों में ही सिंपल होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 ही है जहां पर बॉडी सेंटर देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक तो क्यूबिक, एक टेट्राहेड्रल, एक टेट्रागोनल और एक ऑर्थोरॉम्बिक। तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब ध्यान रखना, सिंपल सातों में होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सातों ब्रेविस लैटिसेस में दिखाई देगी, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सिर्फ 3 में दिखाई देगी, एक तो क्यूबिक और एक टेट्रागोनल और एक ऑर्थोरॉम्बिक। यानी कि सीटीओ में आपको बॉडी दिखाई देगी, सीटीओ में बॉडी वाला दिखेगा। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। अब देखो आगे, फेस सेंटर्ड में आपके कॉर्नर पर तो होते ही है, कॉर्नर पर तो होती ही है। आपको पता है कि आपके यूनिट सेल के अंदर आप कभी वो क्यूब उठा के देखो, 6 फेसेस दिखेंगे आपको, तो फेस के सेंटर में भी होते हैं। तो आप खुद ही देखो, कॉर्नर होते हैं टोटल 8, एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, टोटल फेस होते हैं 6, एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है। ये कैसे पता हाफ होती है? आप खुद से देखो, अगर कोई एटम फेस के बीचों बीच है तो वो आधा बॉडी के अंदर होगा, वो आधा बॉडी के बाहर होगा, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4। सबसे ज्यादा यूनिट सेल में एटम निकल के आते हैं फेस सेंटर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सवाल ये, देखो ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप उसको नॉर्मल वे से इस तरह से देख सकते हो, लेकिन यहां से तो आपको साफ दिखाई देगा कि यहां पर कॉर्नर पे तो है ही, फेस पे भी आपको एटम दिख रहा है। और मजे की बात, फेस सेंटर्ड आपको क्यूबिक में दिखाई देगा और ऑर्थोरॉम्बिक में दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीओ में दिखाई देता है, वो तो था सीटीओ, अब यहां पर है सीओ।
क्यूबिक एंड ऑर्थोरॉम्बिक में आपको फेस सेंटर दिखाई देता है। तो 10 पहले हो गए थे, 2 ये हो गए, तो 12 हो गए ना टोटल। अब हमारे पास 2 और बचे, तो वो कौन से होते हैं? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं, एंड सेंटर में कॉर्नर पे तो आपको यूनिट सेल में एटम मिलेंगे ही। कोई भी दो एंड पकड़ लो, एक ये वाला और एक ये वाला, इन पे भी एटम होते हैं, समझ में आ गया। और ऐसे आपको कहां कहां दिखाई देंगे, एक तो ऑर्थोरॉम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। पता है मजे की बात क्या है, ऑर्थोरॉम्बिक अकेला ऐसा है, सब नोट डाउन कर लो, ऑर्थोरॉम्बिक अकेला ऐसा है जिसमें आपको सिंपल भी मिलता है, बॉडी भी मिलता है, फेस भी मिलता है और एंड भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी मिलता है, बॉडी भी मिलता है, फेस भी मिलता है और एंड भी मिलता है। सब लोग नोट डाउन करो, सिंपल भी मिलता है, बॉडी वाला भी मिलता है, फेस वाला भी मिलता है और एंड सेंटर वाला भी मिलता है। ऑर्थोरॉम्बिक चारों में दिखाई देता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप काउंट करोगे तो 10, 2, 12 और ये 2 और हो गए तो 14 हो गए। टोटल 14 तरह के आपको ब्रेविस लैटिसेस देखने को मिलते हैं। ये लोकेशंस हो गई। अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, सिर्फ 1/8। फेस का, बॉडी का और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन अपने को चेक करना है कि एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है। तो एक एक करके चेक करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कॉर्नर का चेक करते हैं। तो कॉर्नर मैंने कहा था कि कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 1/8 ही होता है बच्चों। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक्चुअल में याद करने की चीज यही है कि टोटल 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 ही है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये एटम का 1/8 पार्ट है, बाकी पार्ट तो बाहर है, ठीक है। कॉर्नर का हो गया। फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर में कॉर्नर तो होते ही है, 6 फेसेस भी होते हैं। और फेस अगर आप देखोगे तो फेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हाफ होता है। 6 फेसेस होते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। खुद ही देख लो, ये एटम आपको फेस के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, आधा अंदर है आधा बाहर। अब देखो आगे, उसके बाद आता बॉडी सेंटर। बॉडी के बीचों बीच अगर कोई एटम है तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर ही काउंट होता है। एक ही बॉडी सेंटर होता है और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होता है। तो एक अगर कोई बॉडी के अंदर आपको एटम दिखे तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन है, मतलब एटम पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है। अब आते हैं एज सेंटर। अगर कोई एटम एज पर हो तो सबसे पहले तो आपको एज क्लियर होने चाहिए। टोटल एज होते हैं 12, ये ध्यान रखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एज होते हैं 12 और मजे की बात यहां पर एज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 ही होता है। टोटल यूनिट सेल में एज होते हैं 12। ये चीज आपको ध्यान रह गई तो आपके न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और एज पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एटम का 1/4 ही होता है। आप खुद से दिमाग लगाओ कि अगर आपने यहां पर गोल सा कोई एटम रख दिया तो 1/4 पार्टी इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो उसका 1/8 पार्ट, फेस पर है तो 1/2 पार्ट, बॉडी पर है तो पूरा का पूरा, और अगर कोई एज पर है तो 1/4 पार्टी आता है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेस कितने होते हैं? 6। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। और एज कितने होते हैं टोटल? 12। इतनी सी गणित है, जो याद रह गई तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने अभी देख लिया यहां पर देखा है हमें, अब क्यूब के हिसाब से, अब क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। तो क्यूब है तो एबीसी के इक्वल होगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, क्लियर हो गया। सो यहां पर ये ध्यान रखना आपको, टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जिसमें आपको क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है, जो कि जिसमें एबीसी के इक्वल होता है और अल्फा बीटा गामा के इक्वल होता है। इसमें सिंपल क्यूबिक, ये देख लो फटाफट से, सिंपल क्यूबिक ध्यान से देखना। सिंपल क्यूबिक मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, ठीक है। और अब मजे की बात देखो, यहां पर ए, यहां पर क्या है? एज लेंथ। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। ए हमारे पास एज लेंथ है और एटम की रेडियस हमने आर मान ली। आप खुद ही सोचना, अगर ये एटम है आपके पास, ये एटम है ना, ध्यान से देखो, गोल सा एटम है, इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने? आर। तो आप खुद ही बताओ ए और आर में क्या रिलेशन है। ये देखो ये आर है, ये देखो यहां से लेके यहां तक आर है और पूरा ए है, तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है ए इज इक्वल टू क्या निकल के आया? ट्वाइस ऑफ आर। खुद ही दिमाग लगाओ ना, ए ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल है, साफ ही पता लग रहा है। तो यहां पर कोई पूछे क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर में क्या रिलेशन है, सबसे पहले ए तो होता है हमारे पास एज लेंथ और आर क्या होती है? एटम का रेडियस। तो ए ट्वाइस आर के इक्वल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको आगे सक्सेसफुली करना है। तो ए मने एज लेंथ, आर मने रेडियस ऑफ स्फीयर। अब हम चलते हैं आगे, रैंक की बात करते हैं। रैंक का मतलब क्या होता है कि भैया कितने नंबर ऑफ एटम इफेक्टिवली यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, उसको रैंक बोलते हैं।
दोबारा बता देता हूं, किसी यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग रैंक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो देर आर एट स्फीयर्स एट एट कॉर्नर्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल आठ कॉर्नर होते हैं तो वहां पर आठ स्फीयर आपको दिखाई देंगे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1/8 ही होता है भाई। तो ओवरऑल अगर आप रैंक निकालना चाहो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, तो आठ तो हमारे पास कॉर्नर है और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल तो एक ही एटम हुआ ना, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो रैंक है वो 1 होता है। एक एक चीज ध्यान रखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ए और आर का रिलेशन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर होता है और इसका रैंक जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं वो 1 होता है, क्योंकि एक ही एटम होता है अंदर, आप खुद से ही देखो। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल इज ओनली 1, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं, सारा खेल यहीं पे ही है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल था, अवेलेबल वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया गया। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई अवेलेबल वॉल्यूम इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। आपने कितना वॉल्यूम दिया, आपने कितना वॉल्यूम दिया जरा सोचो, अगर आपने यूनिट सेल दिया है तो। अगर आपने यूनिट सेल दिया और यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो ए है और क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपने दी है, जरा सोचो, अगर ए एज लेंथ है और क्यूबिक यूनिट सेल दी है तो वॉल्यूम कितना अवेलेबल हुआ, ए क्यूब। पर एटम ने कितना कंज्यूम किया उसको निकालने के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आया समझ में? अब चलो उसको निकाल के देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब। समझ में आ गया? क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और एक स्फीयर यानी कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, मैथमेटिकली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4/3 πr³। अगर बायो वालों को नहीं आता है तो इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, एक स्फीयर का, ठीक है, या एक एटम स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इतनी आसान चीज के लिए हमें शक्तिमान बनने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ अगर स्फीयर्स अगर मैं जेड मान लूं, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर का मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने स्फीयर आ रहे हैं, जेड। तो अब आप जरा सोचो कि टोटल वॉल्यूम स्फीयर ने कितना ऑक्यूपाई किया, जेड नंबर ऑफ स्फीयर है, एक स्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है 4/3 πr³, तो जेड इंटू 4/3 πr³ हो गया टोटल वॉल्यूम, यही ऑक्यूपाई करेगा ना। एक एटम मैं मान लो कि यहां पर आठों कॉर्नर पे एटम लगा देता हूं, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1, पहली बात तो, क्योंकि सिर्फ मैंने कॉर्नर पे लगाया। क्लियर होता है? क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, आठ कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो यहां पर जेड का वैल्यू 1 हो गया। और यहां पर एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ होता है, तो बस आपको जेड इंटू 4/3 πr³ करोगे तो आपको न्यूमिनेटर मिल जाएगा कि यूनिट सेल में एक्चुअल में कितना कंज्यूम किया गया वॉल्यूम। क्लियर होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो ऊपर तो आएगा जेड, जेड का मतलब रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल के अंदर है। 4/3 πr³ का मतलब क्या होगा कि कितना वॉल्यूम है एक स्फीयर का, और नीचे डिनोमिनेटर में आपने लगाया ए क्यूब। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, ए क्यूब मतलब क्यूब का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम। तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहें किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो हम सबको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जेड का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर में ही होते हैं, आठ कॉर्नर है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होता है, और अगर आप दोनों वैल्यू रख दो तो आपके पास निकल के आएगा 0.52, यानी कि यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन 52% ही है, यानी कि आपने 100% अगर आपको जगह मिली और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर है तो 52% ही जगह ऑक्यूपाई की गई है। इसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये ऐसा ही है कि मम्मी ने आपको एक डब्बा दिया, बोला कि इसमें मिठाई भरो, आपने क्या किया, देखो दो तरह के लोग हो सकते हैं, पहले तो मिठाई को सीधे ही फेंक दे डब्बे के अंदर, दूसरा ये काम कर सकता है कि भैया बराबर एकदम अरेंज करके दिखाए ताकि उस डब्बे के अंदर अच्छे से लड्डुओं को फिक्स करा जा सके। लेकिन मजे की बात देखो, आपने बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से लगाया, उसके बावजूद भी उस डब्बे में जगह बच गई, ये देखो बस। तो ये जो जगह बची है तो उसको निकालना पड़ेगा ना, आपने कितनी जगह यूटिलाइज की, तो उसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने 52% ही जगह यूटिलाइज करी है अगर आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लगाया है तो, इसी को समझिए। तो 52% आपने जगह यूटिलाइज की, बाकी जो बची वो कितनी बची, पहले तो 48% बच गई, और उसको क्या कहेंगे, वॉइड, वॉइड मतलब खाली जगह।
तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 52% तो आप भरते हो और 48% वॉइड रह जाते हैं, यानी खाली जगह रह जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो हमको सिंपल वाला तो देख लिया हमने, बॉडी सेंटर वाला आप देखते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर बीसीसी, उसके लिए रैंक फाइंड आउट करते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन को पता करते हैं। तो रैंक क्या होती है कि भैया कितने एटम आ रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है। तो चलो सबसे पहले तो बॉडी सेंटर के लिए यानी कि बीसीसी के लिए हम लोग रैंक निकालते हैं। तो यहां पर एक तो कॉर्नर पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर में होते हैं, बताओ कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, बॉडी सेंटर में 1 होते हैं, तो टोटल कितना हो गया, ओनली 2। तो Z का वैल्यू तो कितना निकल के आ रहा है, 2। ये बड़ा कॉमन सा है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के अंदर मिलेंगे। मजे की बात देखो यहां पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, A और R में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए A यहां पर जरा चेक करना, यहां पर एटम किधर किधर है, एक तो यहां पर कॉर्नर पर है, गौर से देखो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है ही, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, एक बॉडी के बीचों बीच है। तो जब अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर, ये एक कॉर्नर है, ये उसके जो सामने वाला कॉर्नर है, और ये जो बॉडी के बीचों बीच रखा गया है, उससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो उसमें आप बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो, देखो एक कॉर्नर पकड़ो, उसके जो सामने वाला दूसरा कॉर्नर पकड़ो, तो आपको कॉर्नर के एटम, बॉडी के बीच का एटम और दूसरे कॉर्नर का एटम दिख जाएगा। और जब आप इसको काउंट करोगे तो खुद ही सोचो कि यहां पर ये हो गया आर, ये हो गया आर, रेडियस चेक करो, ये हो गया आर और ये हो गया आर, टोटल रेडियस कितनी आ रही है जिसमें आपने लाइन खींची, 4R, और वो किसके बराबर है जरा चेक करो, बताओ कि अगर ये ए है और ये भी ए है तो बताओ ये कितना हुआ, ये √2a हुआ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये √2a हो गया, सही है। अब आप बताओ कि अगर ये √2a है और ये ए है, चेक करो ये हाइट ए है, ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये तो हमारे पास ए है और ये हमारे पास √2a है, सही है। तो आप बताओ कि ये जो बॉडी डायगोनल है वो कितना हुआ, ये √3a निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसकी भी स्क्वायर करो, इसकी भी स्क्वायर करो, √3a के इक्वल आएगा। तो बॉडी डायगोनल हमेशा √3a के इक्वल होता है। अब आप खुद से देखो, 4R किसके बराबर हुआ, √3a के, इतनी सी बात याद रखनी होती है। सो R इज इक्वल टू √3a/4 निकल के आया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R इन बॉडी डायगोनल, इन बॉडी सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के जैसा खेल है, मान लो फिर भी दिमाग नहीं लगाना, तो इतना तो याद रखो 4R√3a के बराबर होता है, इतना बहुत है, तो यहां से R निकाल लोगे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि बॉडी डायगोनल, अब ये ध्यान रखना है कि बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो a√3 यानी कि √3a के इक्वल होता है, इतनी सी बात याद रखनी है, रख लोगे इतने तो आप जाबाज हो ही। तो 4R√3a के बराबर होता है, ये रिलेशन हमने निकाल लिए। रैंक की बात करें तो रैंक किसकी 2 होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, रैंक किसकी 2 क्यों निकाल लिए, क्योंकि देखो स्क्वायर, एक तो 8 कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी के बीचों बीच होता है, ये हमने पहले चेक कर लिया, ठीक है, उनके हिसाब से रैंक निकल के आई है 2। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, जेड इंटू 4/3πr³/a³। जेड की वैल्यू कितनी है, 2 निकाले हो ना आप, जेड की वैल्यू 2 है, और यहां पर ए इसको इसको क्या है, 4R/√3, दोनों वैल्यू उठा के रख दो, जब आप रखोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, और वो पैकिंग फ्रैक्शन सारी वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू 2 है और यहां पर ए की वैल्यू रख दी 4R√3³, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.68 आएगा, यानी कि 68% ही आप जगह ऑक्यूपाई करते हो, 32% जगह बॉडी सेंटर में खाली रह जाती है, इसी को हम लोग वॉइड कहते हैं बच्चों। इससे आसान क्या होगा, बच्चों के जैसा खेल है, क्लियर हो गया। सो वॉइड हमें मालूम पड़ गए, तो यहां पर 68% तो ऑक्यूपाई कर ली और बाकी रेस्ट जो है वो खाली है, खाली जगह है। अब हम आते हैं यहां पर फेस सेंटर के रैंक निकालते हैं और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फेस सेंटर के केस में आप खुद ही सोचो कि यहां पर एक तो कॉर्नर पर होता है और फेस के बीचों बीच होता है, सही है। अब आप देखो यहां पर, आप खुद ध्यान से देखना, ये अगर ए है और ये ए है तो ये हमारे पास फेस डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल कितना हुआ फिर, √2a, और ये √2a किसके बराबर है, 4R के, 4R इक्वल्स टू √2a। अब इतनी सी चीज याद रखनी है, बॉडी सेंटर में ये आता है √3a और फेस सेंटर में आता है ये √2a, क्लियर हो गया सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये R है, ये R है, ये R है और ये R है, तो 4R√2a के बराबर हो गया, कितना आसान है। और अगर 4R√2a के बराबर हो गया तो उसके बाद आपको R और A में रिलेशन मिल गया, फेस सेंटर के अंदर मिल गया। अब हमको क्या करना है,
तो यहां पर फेस डायगोनल का लेंथ मैंने आपको बता दिया, रूट टू ए होता है, या ए रूट टू भी लिख सकते हो, यहां फोर आर इसको ए रूट टू होता है। तो फाइनली अब हमें जेड का वैल्यू निकालना है, आठ कॉर्नर पर है तो एट इंटू वन बाई एट, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाई एट होता है। फेस सेंटर में टोटल फेस कितने होते हैं, छह, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, तो टोटल रैंक कितना निकल के आ रहा है, जेड का वैल्यू चार। अब आपको जब सब चीजें निकल के आई गई, कॉन्ट्रीब्यूशन आप जरा चेक कर लो, एक एक चीज करके मैंने बता दी है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप खुद से ध्यान देखो, पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपको निकालनी है तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो लिखते हो कि कितना स्फीयर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और नीचे टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है। तो जेड का वैल्यू तो चार है और ए फोर आर बाई रूट टू के बराबर है, दोनों वैल्यू उठा के रख दो तो चार इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये तो फॉर्मूले से ही आ गया, डिवाइडेड बाई फोर बाई फोर आर बाई रूट टू। ये जब आप रखोगे तो आपको मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी, 0.47 यानी कि 74% जगह यहां पर ऑक्यूपाई हो गई, 26% जगह ही खाली है। कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जगह या फिर पैकिंग सबसे अच्छी किधर है, तो एफसीसी में सबसे अच्छी पैकिंग होती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर 74% जगह ऑक्यूपाई कर ली जाती है, सिर्फ 26% ही खाली रहती है। अब आ जाओ आप रिलेशन की समरी पर, अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो समझो काम हो गया। सबसे पहले तो सिंपल क्यूबिक 2R is equals to A या A is equals to 2R के बराबर होता है, रैंक यहां पर 1 होती है, पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर 52% होता है और वॉइड यहां पर 48 है। तो यहां पर आप वॉइड लिख सकते हो, लिख लो वॉइड, ठीक है, तो 48% वॉइड होता है यानी कि 0.48 वॉइड होता है, 52% पैकिंग होती है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। बीसीसी की बात करें तो A और R में रिलेशन 4R is equals to A root 3 होता है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। Z की वैल्यू 2 होती है और 68% यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन होता है, यानी कि 68% ही पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी 100% परसेंटेज में निकाली जाती है, तो 168% हो गया। तो यहां पर अगर वॉइड की बात करें तो 32%, ठीक है। FCC की बात करें तो 4R is equals to A root 2 होता है, Z की वैल्यू 4 होती है और यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है 0.74, यानी कि 26% जगह खाली होती है, 26% में void होते हैं। बहुत सिंपल है। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है? FCC, जिसकी जगह सबसे ज्यादा है 0.74। अब हम चलते हैं आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेंसिटी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास किसका लोगे? मास तो एटम का होता है, वॉल्यूम किसका लोगे? क्यूब का वॉल्यूम लोगे। क्यूब का वॉल्यूम तो तुम्हें पहले से पता है, ए क्यूब। अब हमें एटम का मास निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर आप एटम लो तो वो 1 मोल के बराबर होता है और 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर होता है। अब ये तो 1 मोल का मास है ना, हमें 1 एटम का मास चाहिए, तो 1 एटम का मास कैसे निकालोगे? दैट इज वेरी सिंपल, आप मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। सिंपल है, तो बस वही किया, 1 एटम का मास आ गया। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने होंगे? जेड, तो जेड इंटू एमएम डिवाइडेड बाय एनए, ये तो हमारे पास मास ऑफ स्फीयर आ गया, उसको ए क्यूब से डिवाइड कर देना, डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको पूछे डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले मास ऑफ स्फीयर जेड इंटू एमएम डिवाइडेड बाय एनए और यहां पर आपको लेना है ए क्यूब, ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। इससे आसान क्या होगा, तो आपके सामने रखा हुआ है, देखो फटाफट से। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो यहां पर मास ऑफ वन एटम होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और यहां इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल होते हैं जेड, तो टोटल मास कितना हो गया? जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एनए। सिंपल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेंसिटी का फॉर्मूला है आपके सामने, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एनए इंटू ए क्यूब। ओवरऑल आप डेंसिटी के फॉर्मूले को यू रख सकते हो, और इस पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भैया आपके केमिस्ट्री के एग्जाम में डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, मोलर मास इंटू जेड डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, इस पे से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, ग्राम यहां पर मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है और ए का यूनिट सेंटीमीटर होता है। अगर आपने टोटल अच्छे से ध्यान नहीं रखा यूनिट का, तो आंसर आप गलत ही निकाल के आओगे। अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है, तो आपको मोलर मास केजी पर मोल में लेना पड़ेगा और आपको जो एज लेंथ है वो मीटर में लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोलर मास ग्राम पर मोल में और एक ही वैल्यू सेंटीमीटर में ले लेना। नहीं तो अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है, तो मोलर मास की वैल्यू केजी पर मोल में और एक ही वैल्यू एम में लेनी पड़ेगी, मीटर में लेनी पड़ेगी।
तो अब फटाफट से अपन ना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है आपके सामने, एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सवाल क्या पूछा गया है, कहता है द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक यूनिट सेल है ठीक है, इज अ क्यूब, और वो नहीं पता, ये लिख दिया कि ये क्यूब है ठीक है, क्यूबिक है, पर उसने आगे नहीं बताया कि रैंक कितनी है, और उसकी एज लेंथ उसने बता दी 405 पिकोमीटर, डेंसिटी उसने बता दी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर बतानी है, अगर स्ट्रक्चर बतानी है तो आपको जेड का वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। अब आप देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूले पर आ जाओ। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 405 पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10^-12 ठीक है। अब आप ये आ गया मीटर के अंदर, और क्योंकि आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 405 × 10^-10 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो आप यूनिट पे ध्यान देना। अब आपके पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। अब आपकी तो सारी वैल्यू आपके पास है, जेड की वैल्यू नहीं है, वही आपको निकालनी है। जब आप यहां पर डेंसिटी की वैल्यू रखोगे 2.7 और यहां पर मोलर मास एल्यूमिनियम का 27, जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 405 × 10^-10, उसका करना आपको क्यूब फॉर्मूले के मुताबिक, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू रखना है 6.02 × 10^-23। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जेड का वैल्यू 4 आएगा। अब आप 4 के हिसाब से क्या होता है एफसीसी स्ट्रक्चर ही तो पूछी है, एफसीसी 4 के हिसाब से एफसीसी स्ट्रक्चर आती है, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी। इस तरह से आपको फाइनली आंसर करना है न्यूमेरिकल का। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम यहां पर पैकिंग कैसे होती है सॉलिड में उसको चेक करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो स्क्वायर पैकिंग होती है, दो तरह से पैकिंग होती है, स्क्वायर और हेक्सागोनल। अब स्क्वायर पैकिंग एक तो वन डायमेंशन होती है, वन डायमेंशन का मतलब एक ही डायमेंशन में आपने एटम ऐड कर दिए, सिर्फ एक डायमेंशन में, देखो दिख रहे हैं सब लोगों को, एक ही डायमेंशन में एटम ऐड किए हैं तो वन डायमेंशन है। अब आप एक बात बताओ, एक एटम को कितने एटम घेर के खड़े हुए हैं, कितने एटम टच कर रहे हैं, सिर्फ दो। तो यहां पर कभी कभार पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह होता है कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। अगर आपने वन डायमेंशन लगाया है तो इसको सिर्फ दो ही एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर दो हो गया। इतनी स्पीड से सॉलिड स्टेट करवा रहा हूं कि आपका फटाफट से सॉलिड स्टेट हो जाए। आप अगर ये बुक से पढ़ते तो आपको 3 से 4 घंटे कम से कम लगते। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने आपको, यहां पर वन डायमेंशन इसको बोलते हैं, एक ही डायमेंशन में, सिर्फ एक्स डायमेंशन में कर दिया मैंने, क्लियर हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका दो है, क्योंकि जो ब्लू कलर वाला आइटम आपको दिखाई दे रहा है उसको सिर्फ दो ही आइटम टच कर रहे हैं। टू डायमेंशन का मतलब दो डायमेंशन में ले लो, आपने इसको एक्स डायमेंशन में ले लिया ठीक है, और अब इसको वाई डायमेंशन में भी लेते जा रहे हो ठीक है। ये देखो फटाफट से, तो अब ये वाई डायमेंशन में भी ले लिया आपने, एक लेयर बना दी पूरी, तो ये टू डायमेंशन हो गया, क्योंकि आप इसको एक्स डायमेंशन में तो लिए ही हो, वाई डायमेंशन में भी इसको फैला रहे हो, तो ये टू डायमेंशन हो गया। सबको क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी वन डायमेंशन ठीक है, डायमेंशनल लेयर इज स्टैक्ड अबव ईच अदर, ये तो दिख ही रहा है ना आपको कि इस ये नीचे वाली है तो ये उसके ऊपर वाली लेयर है। अब आप खुद गौर से देखो कि अगर कोई एक एटम है, ये देखो दो डायमेंशन होगी, कोई एक एटम पकड़ लो, जैसे कि ब्लू वाला पकड़ लिया, इस ब्लू वाले को कितने एटम टच कर रहे हैं, एक तो दायां बायां और एक ऊपर नीचे ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम एक्चुअल में कितने एटम को टच कर रहा है, तो वो 4 हो गया, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आएगा, ये ओवर टू डायमेंशन ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, तो यहां पर जो स्फीयर होते हैं बेसिकली एक्स और वाई डायरेक्शन में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से लगे होते हैं। चलो अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। खास बात, टू डायमेंशन की पैकिंग को क्या बोलते हैं, ए ए ए ए टाइप पैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के जैसी ही है, बिल्कुल सेम टू सेम लेयर लगा दिया आपने, आता है समझ में। अब देखो आप आगे चलते हैं, यहां पर ये डायमेंशन आपको दिखाई गई है कि भैया एक्स और वाई डायमेंशन में इस तरह से यहां पर आपको ओवरऑल ए ए ए लेयर प्लेनर अरेंजमेंट के तौर पर दिखाई दे रही है। अब यहां पर सबसे मजेदार बात कि यहां पर जो वॉइड आपको, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग वॉइड कहते हैं बच्चों, दिस इज ऑल्सो कोल्ड वॉइड, क्लियर हो गया, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहां पर मजे की बात एक और है, क्यों इसको स्क्वायर पैकिंग कहते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो ब्लू कलर के चारों तरफ जो आइटम जो उसको टच कर रहे हैं वो एक स्क्वायर के जैसे, एक स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। अगर उनके सेंटर को अगर आप एक बार सारे के सारे सेंटर को मिलाओगे तो सारे के सारे सेंटर आपको एक स्क्वायर बनाता देखेंगे, तो एक्चुअली ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है।
सबको समझ में आ गया, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर लगाओगे तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक एटम को टच करने वाले चारों एटम के सेंटर को मिलाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अब पैकिंग इन सॉलिड्स हेक्सागोनल तरीके की भी होती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हेक्सागोनल का मतलब क्या है, मैंने एक लेयर लगा दी, अब एक लेयर में क्या करना है ना, दूसरी लेयर उनके वॉइड में लगेगी। मतलब जरा देखो, इस एटम और इस एटम के बिल्कुल बीच में जो जगह खाली है मैंने वहां एटम लगा दिया। इस तरह की पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। मतलब जो दो एटम के बीच में जगह है, दो एटम के बीच में जगह है, ताकि आपको पता है कि अगर मान लो खुद से दिमाग लगाओ, ये दो लड्डू मैंने एकदम बराबर लगा दिए, अब इन दोनों लड्डुओं के बिल्कुल बीच में अगर तीसरा लड्डू लगाऊंगा तो इसको हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। मजे की बात, मैं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, दिमाग में अच्छी दिमाग वाली बात, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये ज्यादा स्टेबल है हेक्सागोनल। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग हेक्सागोनल बोलते हैं। अब हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, आप जरा चेक करो कि जो सेंट्रल एटम जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है उससे टोटल 6 एटम आपको अटैच होते टच करते हुए दिखाई देंगे, चेक करो। और अगर आप 6 के 6 की, अगर आप 6 के 6 जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन 6 के 6 की अगर आपने क्या की सेंटर को आपस में मिला दिया तो आपको हेक्सागोनल दिखाई देगा, चेक करो। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 निकल के आएगा क्योंकि ब्लू वाले एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ये मजेदार बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, जो जो इन दोनों के बीच की जो जगह होती है वहां पर एटम को आपको अरेंज करना है। और ये पैकिंग कैसी है, आपने पहली लेयर लगाई वो ए टाइप की है, लेकिन दूसरी लेयर जो है ना वो ए टाइप की लेयर के जैसी नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए बी टाइप की लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डायमेंशनल लेयर है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह की पैकिंग को हम लोग ए बी टाइप की पैकिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके बीच के वॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जब 3D में इन वॉइड्स को भरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सबसे मजेदार बात, ये हेक्सागोनल बनाते हैं इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये देखिए आपके सामने हेक्सागोनल बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ही। अब 3 डायमेंशन पैकिंग की तरफ चलते हैं, जो एक्स और वाई डायरेक्शन में तो होगा ही, जेड डायरेक्शन में भी होगा। अब आप देखो 3 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग लेते हैं। सबसे पहले तो हमने 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग की एक लेयर ले ली, उसके ऊपर ही दूसरी लेयर लगा दी, उसके ऊपर ही तीसरी लेयर लगा दी, उसके ऊपर ही चौथी लेयर लगा दी, तो ये 3 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग हो गई। सिंपल, हम लोग एक्स और वाई में तो थे ही, ये एक्स है ये वाई है, अब हम जेड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। मतलब यहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब हो गया, लेंथ विड्थ और हाइट सब हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन पैकिंग बोलते हैं। और सब मजे की बात है, ए टाइप की पैकिंग है, क्योंकि यहां पर हमने कुछ नया बनाया ही नहीं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर लगा दिया वो भी सेम है, तो ए टाइप की पैकिंग बोलते हैं इसको, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है। आता है समझ में सबको, और ये बहुत आसान है, ये ए टाइप की पैकिंग है। अब देखो हम लोग, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये क्यूब निकल के आएगा आपके सामने, तो ए टाइप की पैकिंग को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ये ओवरऑल इसको क्यूबिक नहीं, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस तरह से एक स्क्वायर निकल के आ रहा है आपके सामने यूनिट सेल के तौर पर, तो ए टाइप की पैकिंग आपको यहां सामने दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और यहां पर इस तरह से आप इसको देख सकते हो, जिसमें कॉर्नर पे एटम है, और अभी आप देख के आए हो यूनिट सेल में कॉर्नर पे एटम है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर 3 डायमेंशन ए टाइप पैकिंग है तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो अब खुद से दिमाग लगाओ कि लेट अस सपोज कि ये एटम है, तो उसको टच कितने एटम कर रहे हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार एटम तो आजू बाजू में कर रहे हैं, एक पीछे और एक आगे, तो टोटल 6 हो गए ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल के आता है। 3 डायमेंशन ए टाइप अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दिमाग लगाओ, एक एटम को पीछे और आगे भी तो टच कर रहा होगा, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है। यह सवाल भी काफी बार पूछा जाता है, आंसर इज 6। अब हम पैकिंग देंगे 3 डायमेंशन हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमने पहले 2D हेक्सागोनल लिया, ये 2D हेक्सागोनल ले लिया, उसकी लेयर लगा दी, फिर एक और लेयर ली उसको भी लगा दिया, फिर एक और लेयर ली उसको भी लगा दिया। इस तरह से जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देते हैं वो 3 डायमेंशन हेक्सागोनल पैकिंग के होते हैं। और यहां पर उसका साइड व्यू लोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और टॉप व्यू लोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लूं आपसे तो क्या जवाब दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर एक्चुअली 12 निकल के आएगा। दिमाग लगाओ, बिल्कुल बीचों बीच आप एक एटम ले लो, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच एक एटम लो, उस बीचों बीच एटम को पहले तो इन 6 पर्टिकुलर एटम ने जो कि उसी के प्लेन में है उन्होंने उसको घेर रखा है 6, और उसमें 3 ऊपर है और 3 ही नीचे है। ध्यान से देखो, ये 3 है और ये भी 3 है,
तो छह तो बराबर गिर रखे हैं और तीन ऊपर और तीन नीचे, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इस एटम पे गौर करो। तो छह तो ये हो गए, तीन नीचे हैं और तीन ही ऊपर होंगे, समझ में आ गया। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और ये ए ए टाइप की लेयर है, तो आप बताओ बीच वाली लग रही हो बी बी टाइप की लेयर है, तो ये थ्री डायमेंशन ए बी ए बी टाइप पैकिंग हो गई, ठीक है, ए बी ए बी अरेंजमेंट हो गया, जिसको आप इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियली मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से अरेंजमेंट हुई है, क्लियर हो गया। सो इस तरह से आपको याद करना आसान हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है, खुद से ही देख लो। तो ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है इस एटम को गौर से देखो, छह तो इन्होंने घेर लिया, तीन ऊपर है और तीन नीचे, टोटल 12 हो गया, क्लियर होता है। इस तरह से आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे वॉइड्स की। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 74% पैकिंग एफिशिएंसी, इसका मतलब बाकी सब बचे जो वो वॉइड है 26% वॉइड निकल के आते हैं, चाहे सीसीपी पैकिंग हो चाहे एचसीपी पैकिंग हो। एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और यहां पर सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% ही होती है। और वॉइड्स को आप कैसे समझ सकते हो, आर बाई आर रेशो से। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, नॉर्मली आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना आर बाई आर का मतलब क्या है, कैटायन टू एनायन रेडियस का रेशो है, ठीक है, ये आपके सिलेबस पे नहीं है, नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा। तो अब हम चलते हैं वॉइड, बस वॉइड पता होना चाहिए कि वॉइड क्या होते हैं। तो पैकिंग होने के बाद जो जगह खाली बचती है उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। और वॉइड भी आपके देखो, एक तो ट्राइगोनल वॉइड होते हैं जो कि तीन बोल से मिलकर बनेंगे, मतलब तीन बोल आपने अरेंज करी उसके बीच में जो जगह बच रही है उसको ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। सबको समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है। ट्राइगोनल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप चेक करोगे, वॉइड देखो, वॉइड तीन बोल से घिरा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तीन। इसके अलावा जरा चेक करो, ठीक है, अगला जो वॉइड होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है बेसिकली चार बोल से मिलकर बनता है, तीन बोल तो ये है ही, उसके ऊपर एक चौथी बोल और है, तो बीच में जो जगह आपको दिखाई दे रही है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की है, क्लियर हो गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, अब सवाल ये बहुत पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में होता कहां है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड एक तो होते हैं बॉडी डायगोनल पे, दो आपको पता है। अगर ये मान लेते हैं अपन एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, वैसे मैं आपको दिखाता, ये स्क्वायर लिया तो स्क्वायर में बॉडी डायगोनल पकड़ लो, ये मान लो बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल में दो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलेंगे जहां पर ये चार बोल से मिलकर बनता है, आपको मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल टोटल बताओ यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल होते कितने हैं, बीडी का मतलब बॉडी डायगोनल, टोटल बॉडी डायगोनल होते चार, एक बॉडी डायगोनल पे आपको दो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेंगे तो चार दूनी कितना हो गया, आठ। तो ये ध्यान दो, एफसीसी के अंदर टोटल आठ आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलेंगे। इट इज सराउंडेड बाय द स्फीयर्स ऑफ लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड थ्री फेसेस टू विच द कॉर्नर इज कॉमन। मैंने जैसे कहा, आप खुद से दिमाग लगाओ, जिस कमरे में बैठे हो एक कॉर्नर पकड़ लो और उस कॉर्नर से तीन फेसेस अटैच होंगे, तीन फेस खुद से देखो, उस कॉर्नर से तीन फेस अटैच होंगे, उन तीन फेसेस के बीचों बीच जो आपको एटम दिखेगा उनसे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। आप इस तरह से उसको देख सकते हो, देखो मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, ये देखो मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है, उसके अलावा फेसेस को पकड़ना है, तो देखो ये फेस हो गया, ये फेस, ये कॉर्नर है, ये पहला फेस है जो कि इसके बिल्कुल ऊपर है, ये दूसरा फेस है, ये रहा इसके पीछे वाला, देखो ठीक है, ये दूसरा फेस है और ये तीसरा फेस है। जिस कॉर्नर पे बैठे आप, खुद जिस कमरे में बैठे हो उसका एक कॉर्नर पकड़ लो, उस एक कॉर्नर से तीन फेस निकलेंगे, तीनों फेस के सेंटर पे क्या होगा, एक एटम होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये तो आपके पास तीनों फेस के एटम, ये कॉर्नर का एटम, ये टोटल चार हो गए, तो उसकी वजह से जो वॉइड बनेगा, पिक्टोरिक खुद दिमाग लगा के देखो, बहुत आसान है, उससे जो वॉइड बनेगा उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक एफसीसी की चार होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड आठ होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो भी रैंक निकल के आएगा उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, दिस इज रैंक, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी, ये ध्यान रखना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा रैंक के डबल होते हैं, चाहे कोई भी ले लो, एचसीपी में भी यहां पर या ध्यान से देखो, जेड की वैल्यू 6 होती है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको फोकस करना है, न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होंगे यहां पर। सो देर आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आप ध्यान लगाओगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड की कहानी आपको क्लियर हो जाएगी, जब क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आएगा। बस मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर रैंक जेड है तो टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस ऑफ जेड होंगे, जिसको आपको ध्यान रखना है।
अब हम ऑक्टाइडल वॉइड की बात करते हैं, छह एटम से मिलके जो कोई वॉइड बनता है उसको ऑक्टाइडल वॉइड बोलते हैं। ये देखो छह एटम इस तरह से लिए, तीन ये रे और तीन ये रे, उनसे मिलकर जो वॉइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे और बोलेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जरा देखो, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह पर होते हैं, एक तो बॉडी के बीचों बीच, खुद ही देखो बॉडी के बीचों बीच दो पोजीशन कौन सी है, एक तो बॉडी सेंटर, बीचों बीच देखोगे तो बॉडी के बीचों बीच अगर आप रखोगे तो आठ कॉर्नर होते हैं, सबको समझ में आ गया, या छह फेसेस ले लो, छह फेसेस होते हैं वहां पे एटम होते हैं, तो उस हिसाब से बॉडी के बीचों बीच आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। दूसरा आपको एज सेंटर पे देखने को मिलेगा। एज सेंटर का मतलब क्या है, मान लो ये यूनिट सेल है तो उसका एज सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला, एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप चेक करो, ये देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक तो बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच आप गौर कर रहे हो तो ये जो बॉडी के बीचों बीच दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्योंकि ये टोटल छह फेस वाले एटम से घिरा हुआ है, गौर से देखो। और अगर एज वाले की बात करो तो एज वाला खुद भी छह एटम से घिरा हुआ, एक ये रहा, दो हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, चार हो गए और एक दाया और एक बाया, छह हो गए। तो एज और बॉडी वाले टोटल आपको यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेंगे। अब बॉडी वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वन होता है, लेकिन एज वाले का तो वन नहीं होता, बताओ टोटल एज कितने होते हैं, बारह, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वन बाई फोर, तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, चार। तो एक्चुअल में अगर यूनिट सेल के अंदर देखें कि ऑक्टाइडल वॉइड कितने हैं तो टोटल चार ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल का रैंक जेड है तो ट्वाइस ऑफ जेड उसके क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, और जेड उसके क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद कर लो ये जेड तो रैंक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड टू जेड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो होंगे Z, यानी कि एफसीसी की बात कर लो, चलो एफसीसी में रैंक कितनी होती है, चार, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, आठ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, चार। और पता है इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने ध्यान से देखा तो मजे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यह हमारा अब तक का सबसे लंबा लाइव सेशन है जिसमें आपको सॉलिड स्टेट करा रहा हूं, बस आपके लिए मेहनत कर रहा, आप करते जाओ। एज सेंटर, बॉडी सेंटर, ऑक्टाइडल वॉइड मैंने आपको बता दिए हैं, आपको कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया, ऑक्टाइडल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ चार होता है क्योंकि टोटल 12 वॉइड्स आपको एज पे दिखते हैं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 ही होता है, ठीक है, और एक आपको बॉडी में दिखता है तो टोटल चार हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर जेड चार है तो ऑब्वियसली ऑक्टाइडल वॉइड भी चार ही होंगे, सबको समझ में आ गया। और अगर एचसीपी के लिए जेड का वैल्यू छह होता है तो उसके लिए ऑक्टाइडल वॉइड भी छह होंगे। तो ये सिंपल सी चीज है जिसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, इनपरफेक्शन। इनपरफेक्शन का मतलब क्या है कि भैया इम्प्योरिटीज। अब इनपरफेक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट। हमको सबको पता है कि क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन अगर हमने उस रेगुलर अरेंजमेंट को बिगाड़ दिया तो इनपरफेक्शन आ जाएगा। तो डिफेक्ट कैन बी, किस वजह से होता है डिफेक्ट, वैकेंसी की वजह से और इंटरस्टीशियल साइट्स की वजह से इनपरफेक्शन होता है। देखो यहां पर बेचारे बहुत अच्छे तरीके से एटम अरेंज थे, अचानक से एक एटम गायब हो गया तो आ गया ना इम्परफेक्शन। आपकी क्लास में एक शरारती तत्व आ जाए तो क्लास खराब हो जाती है। तो यहां से गायब हो गया तो देखो आराम से आसानी से आपको दिखाई दे रहा है कि इम्परफेक्शन आ गया। तो इम्परफेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं, मेटल का डिफेक्ट, क्लियर हो गया। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला मेटल का डिफेक्ट तो वैकेंसी की वजह से आता है, दूसरा मेटल का डिफेक्ट इंटरस्टीशियल साइट में अगर कोई आइटम आ जाए अचानक से ही, बेचारे रेगुलर अरेंजमेंट में थे, इधर भी अचानक से बीच में क्या हो गया, एक एटम अचानक से ही निकल के घुस गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन बोलते हैं, खुद ही घुस के आ गया तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो इम्परफेक्शन हो गया, इसको डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन और डिफेक्ट को देखो, डिफेक्ट दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला तो होता है स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्री हमेशा बनी रहेगी कैटायन और एनायन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलेगी। एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगी, स्टोइकियोमेट्री का मतलब पार्टिसिपेटिंग एटम बदल जाएंगे, तो स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री में स्टोइकियोमेट्री सेम रहता है, ठीक है। दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं शॉटकी और एक होता है फ्रेंकल, और आपको खुद को पता है जब आप सॉलिड स्टेट उठाओगे तो शॉटकी और फ्रेंकल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आप खुद से स्पेल करो शॉटकी, शॉटकी का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ शॉर्ट है, एक ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट मतलब उसमें कैटायन और एनायन बाहर निकल जाएंगे। फ्रेंकल में ऐसा नहीं होता, फ्रेंकल में फ्रैंक होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, और उसमें कोई एटम इंटरस्टीशियली घुस जाता है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट मतलब एटम बाहर निकल जाएंगे, फ्रैंकल का मतलब वो फ्रैंक होता है और एटम को अंदर ले लेता है, कोई एक एटम घुस जाएगा क्रिस्टल के अंदर। तो शॉर्ट की डिफेक्ट आपके सामने यहां पर दिख रहा, यहां पर पेश कर रहा हूं भैया, देख लो ठीक है। सो यहां पर नंबर ऑफ मिसिंग एटम, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम रहने चाहिए, तो कैटायन बाहर निकलेगा तो एनायन भी बाहर निकलेगा, इक्वल अमाउंट में कैटायन और एनायन बाहर निकलेगा। जैसे कि ये क्रिस्टल देख लो, यहां पर अगर आपने एक्स माइनस बाहर निकाला तो ये ध्यान रखिएगा आप एम प्लस भी साथ ही में बाहर निकालोगे। मजे की बात देखो, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज ड्यू टू दिस इफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से। अगर आपने शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाई दिया है तो क्योंकि वहां से कैटायन और एनायन आपने बाहर निकाल दिया तो पक्का डेंसिटी तो घट ही जाएगी ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही है, मास घटा दिया क्योंकि एटम बाहर निकल गया, तो डेंसिटी इस केस में डिक्रीज हो जाती है, इफेक्ट कर जाती है किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट में, यह ध्यान रखना। Now this defect is shown by ionic substances, ठीक है, in which the cation and anion sizes are almost similar. ये उनमें दिखाई देता है जहां पर cation और anion का size जो है ना वो almost similar होता है, इसीलिए cation भी बाहर निकला और anion भी बराबर से बाहर निकल गया। तो अगर यहां पर cationic और anionic size दोनों के almost बराबर है तो उसमें आपको short की defect देखने को मिलेगा। तो short की defect में cation और anion दोनों इक्वल अमाउंट में बाहर निकलते हैं, मिस हो जाते हैं, लिखा है यहां पे मिसिंग, मिसिंग मतलब शॉर्ट, शॉर्ट हो जाना, ये सिंपल तरीका है उसको याद करने का। यहां पर डेंसिटी इफेक्ट कर जाती है क्योंकि एटम कम हो जाते हैं और साथ में कैटायन और एनायन का साइज इक्वल होता है, तो उनमें आपको शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखे हुए हैं NaCl, KCl, AgBr, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। Now, अब सोचो आप फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में अचानक से कोई जो पहले तो उनमें होता है जिस एटम की या जिस कैटायन की साइज बहुत छोटी होती है वो कहीं से आएगा, ठीक है, कहीं से क्या आएगा, वो एक्चुअली क्रिस्टल से ही आता है और किसी इंटरस्टीशियल साइट में चला जाता है, इसको फ्रेंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ये फ्रेंकल है, फ्रेंकली कहीं भी घूमता रहता है, इसको इस तरह से याद कर सकते हो, खुद ही के क्रिस्टल से निकल के किसी इंटरस्टीशियल साइट पर चला गया, और ये वहां पर होता है जहां पर कैटायनिक साइज, यानी कि जिंक जैसे एग्जांपल है, कैटायन का साइज एनायन के साइज से काफी छोटा होता है, तो ये छोटा है तो बेचारा ये कहीं भी घूमता रहता है बच्चों के जैसे, फ्रेंकली बच्चे बच्चे फ्रैंक होते हैं ना, बच्चे तो कहीं भी घूमते रहते हैं। तो ZN प्लस ए प्लस टू इज अ बच्चा टाइप, तो बच्चा टाइप है तो वो कहीं भी घूमता रहता है, उसकी सल्फाइड से साइज जो है काफी छोटी होती है तो फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीके से मैंने आपको याद करा दिया, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ये उनमें पाया जाता है जहां पर डिफरेंस होता है साइज में, कहा था मैंने आपसे कि जहां पर साइज में डिफरेंस होगा वहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ZNS, AgCl, AgBr। मजे की बात ये कि शॉर्ट के और फ्रेंकल दोनों में आपको AgBr देखने को मिला, AgBr इज द कॉमन एग्जाम्पल इन शॉर्ट के एंड फ्रेंकल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबको समझ में आ गया। सो AgBr में दोनों तरह के डिफेक्ट देखते हैं और यहां पर ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr को आप नोट डाउन कर लो। नॉन स्टोइकोमेट्रिकल डिफेक्ट जो होते हैं ना बच्चों, वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल एक्सेस में आ जाएगा, तरीके उसके दो हो सकते हैं, ठीक है, या तो जो कैटायन है वो एक्सेस में हो जाए या फिर एनायन शॉर्ट हो जाए, सिंपल तरीका है, समझ में आता है। मेटल एक्सेस में कैसे आएगा, या तो मेटल खुद से ही बाहर से घुस जाए या फिर एनायन कम हो जाए, सिंपल सी बात है, समझ में आता है। तो दो तरीके हैं उसके, ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी, या तो एनायन बाहर निकल जाए या फिर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, तो दोनों को मैं दिखा देता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करो। अगर एनायन का वैलेंसी हो गया तो ओवरऑल डिफेक्ट में न्यूट्रलिटी बनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वो वहीं छोड़ के जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर NaCl ले लो, NaCl में आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इस केस में क्या हुआ, देखो एनायन खुद बाहर निकल गया, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है उसमें पहले Cl- था, जैसे ही आपने सोडियम वेपर यहां से पास कराई, सोडियम वेपर ने क्या किया, इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम के पास चला गया क्योंकि सोडियम ने उसको गिफ्ट में इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ये ध्यान रखिएगा, और वहां पर वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। जहां पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं, जिसकी वजह से कलर आता है। कई बार आपने देखा होगा NaCl येलो कलर का दिखता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू एफ सेंटर,
क्योंकि यहां पे हमने सोडियम वेपर फ्लो करवाई थी, क्लोरीन बेचारा अट्रैक्ट होके बाहर निकल गया और अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया, इसको हम लोग एफ सेंटर कहते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से ही कलर आता है। इसके एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं NaCl KCl, अब इसे आसान तरीके से तो कहां देखने को मिलेगा। दूसरा होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, कहीं से एक्स्ट्रा कैटायन ही घुस जाए। अब आप देखो यहां पर एक्स्ट्रा कैटायन तो घुसेगा, साथ में उसका इलेक्ट्रॉन भी घुसेगा, ऐसे अकेला नहीं घुसा सकते हो, एक्स्ट्रा कैटायन घुसाओ साथ में उसका इलेक्ट्रॉन भी घुसा दो। जैसे कि ZnO, ZnO यहां पर एक एग्जांपल है जिसमें Zn प्लस टू और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों उस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा तरीके से घुस जाएंगे। आ गया सबको समझ में? तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन यहां पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और फिर लास्ट होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा। एक्चुअली ये उनमें दिखाई दे रहा है जो दिखाई देता है, जो मेटल खुद कैसा दिखाते हैं आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, जैसे कि Fe प्लस टू भी होता है और आपको पता है कि Fe प्लस थ्री भी दिखाई देता है। तो यहां पर क्या होगा ना कि प्लस टू की जगह प्लस थ्री वाले घुस जाएंगे, तो प्लस टू की जगह प्लस थ्री वाले घुसेंगे। तो अगर आपने प्लस टू निकाले हैं टोटल तीन बाहर, तो टोटल चार्ज कितना वहां से गायब किया, प्लस का छह, तो प्लस थ्री वाले दो ही डालोगे ताकि चार्ज बैलेंस रहे, दिमाग लगाओ। आपने किसी क्रिस्टल से यहां पर Fe प्लस टू के टोटल तीन बार निकाल दिए, ठीक है, टोटल तीन बार निकाल दिए कि चार्ज कितना बार निकाला, प्लस छह। ध्यान रखना डिफेक्ट में कभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म नहीं होती है। आपने अगर तीन बार निकाले हैं तो बाहर से आपको दो डालने भी पड़ेंगे, Fe प्लस थ्री के दो डालोगे तो चार्ज बराबर बना रहेगा, लेकिन मेटल का डेफिशिएंसी हो गया क्योंकि आपने Fe तीन बाहर निकाले और डाले सिर्फ दो ही, इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना चार्ज बैलेंस रहना चाहिए। तो आप अगर तीन Fe प्लस टू निकालोगे तो दो Fe प्लस थ्री यहां से बाहर निकलेंगे। तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से हमने डिफेक्ट भी खत्म कर लिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और बचती है, एक तो होते हैं कंडक्टर, जिसमें वैलेंस शेल और कंडक्शन सेल में, ठीक है, डेंसिटी के न्यूमेरिकल एक किया था बीच में, बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी देर में मैं सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए हैं वो भी मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। अब एक तो होते हैं कंडक्टर, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता, क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। देखो यहां पर ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ये हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, और दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, नहीं ऊपर कंडक्शन बैंड है नीचे वैलेंस बैंड है, एक दूसरे पे दोनों ओवरलैप करते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और आसानी से फ्लो करता है। आ गया समझ में? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज होते हैं और आसानी से कंडक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, जैसे कि आयरन एंड कॉपर। एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में भारी भरकम गैप होता है, बहुत बड़ा, जिसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है, जिससे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, इतना बड़ा गैप है। तो इसीलिए इनको इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि यहां पर ये इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता, क्योंकि यहां पर फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है। एक होते हैं इन दोनों के बीच का गैप रखने वाले, ये बैड कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास रबड़। अब लास्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो ना तो ज्यादा होता है ना ही कम, बीच का होता है, उसमें जो फॉरबिडन गैप है वो स्मॉल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल से कंडक्शन शेल में चले जाएंगे और यहां पर कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अब देखिए यहां पर आसानी से कंडक्टिविटी पॉसिबल है, लेकिन ये कंडक्टिविटी उनकी रिलेटिवली कंडक्टर से लेस होती है, लेकिन इंसुलेटर के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, लॉजिकल। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एग्जाम्पल लिखे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और सबको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों यहां पर हमने कर दिया चैप्टर को ओवर, इस तरह से हमने पूरे एक सेशन में कंप्लीट कर दिया सॉलिड स्टेट को, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय, बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन, बाय।